सुनीता शर्मा बिहार से है। गाइस पटना जिला से है। आज हुआ क्या, पटना में इतना पानी पड़ रहा है, इतना पानी पड़ रहा है कि हम लोग नीचे तो कपड़ा धो ले, लेकिन कोई फायदा है नहीं क्योंकि सुखाने वाला जगह पे सूख ही नहीं रहा। तो आज हम लोग हम आए हैं ऊपर कपड़ा धोने। देखिए देखिए बिहार के पहले ही बचपा काम कर पड़ रहा। आप लोग को लगता हुआ कि खूब ऐसा रहती होगी, नहीं आप लोग के जैसा ही मेरा जिंदगी है। देखिए कपड़ा के ममोड़ ममोड़ के ममोड़ ममोड़ के धो रहे हैं, और जिसको मेरे पर दया आ रहा होगा हमको वाशिंग मशीन खरीद के दे सकता है। ठीक रखिए, अभी इतना कपड़ा मेरा धोया गया है इसे ना दिखा सकते हैं, दो चार कपड़ा आओ है उसको हम धो लेते हैं। और उसके इतना गर्मी लग रहा है ना एकदम, कहने कहे कि आज मतलब पानी नहीं पड़ा लेकिन आज भी बहुत ज्यादा गर्मी है। तो सारा कपड़ा पहले धो लेते हैं। आज हम बनाए खाने में राजमा और चावल, और अभी 2 बज रहा है ना नानी का, दिन के बज रहा है 2। तो जल्दी जल्दी सब निपटाते हैं काम और उसके बाद हम फिर मिलेंगे आप लोग से। लेकिन आप लोग का मेरा रियल जिंदगी यही है, कपड़ा धो, झाड़ू मारो, पोछा मारो, बर्तन धो, खाना बनाओ, खाना खाओ, फिर खाने के बाद बर्तन धो, फिर बर्तन धो के भी खाओ, सब्जी काटो, और देखिए बेडशीट धो, बिछौना धो, तकिया के खोल धो, यही सब बस जिंदगी है मेरा और कुछ नहीं है, कुछ ऐसा वाला जिंदगी नहीं है। जिसको मेरे पे दया आ रहा होगा प्लीज मेरे जब मेरे घर के बाहर आप लोग वॉशिंग मशीन दे के जा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप लोग से पता है मेरा तो वो कपड़ा ऐसी रह जाएगा। तो अपना कपड़ा धो लेते हैं उसके बाद मिलते हैं। ठीक आप लोग, मैं अनीता शर्मा बिहार से और पटना जिला से। अभी तो बाप रे हर जगह बाढ़ का सीजन चल रहा है। आज हम कॉलेज जाते हैं ना तो आज हम आप लोग को गंगा घाट या फिर एनआईटी घाट देखते हैं, अगर उधर जाएंगे तो ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। तो अभी सुबह के बज रहा है 10 और हम दूध पिए, तो अमृता बोले कि दूध पी के बस बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो थोड़ा सा खजूर खा ले रहे। और 10 बज चुका है, 10:30 से हमारा कॉलेज है, तो अभी हम लोग जस्ट तुरंत निकलते हैं। आज हमको मन नहीं था जाने का लेकिन फिर भी सोचे छोड़ो यार कॉलेज अभी क्या ही छोड़े, जब दशहरा में घर पे जाएंगे तो कॉलेज छुट्टेगा ही। तो चलिए आप लोग से मिलते हैं रोड पे, क्या कि बहुत लेट हो रहा। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अभी कॉलेज के लिए। हाँ, और ये देखिए सच में आज रोड बदम बहुत एकदम साफ साफ लग रहा है, लगता है कि सवेरे सवेरे झाड़ू पड़ा होगा है ना। बिना झाड़ू चले आ गई घर से, हम तो उठे। आज आपको सच में पता है, आपको सच में कॉलेज एकदम नहीं जाने का मन था, आज आपको एकदम लग रहा था कि बाकी यार क्या ही कॉलेज है, छोड़ो ना आज थोड़ा आराम कर लेते। फिर सोचे कि छोड़ो थोड़ा बहुत सर चल जाता है। तो उठे, ब्रश व्रश किए, तैयार व्यार हुए और खाना था हम लोग का बना हुआ ऑलरेडी, लेकिन फिर हम उसको नहीं खाए जल्दी से क्योंकि दूध था, तो फिर लगा कि दूध फेंका ही जाएगा। और जब इतना मेहनत से, ऐसे तो मेरा आदत है कि 10 रुपए वाला दूध गर्मो नहीं करते, वो पैकेट में फेंकाता है, दूध से दही। जही हम 10 रुपए वाला लाए समझे कि ना गर्म होगा ना कुछ होगा, और जिस दिन दूध नहीं रहेगा उस दिन को बहुत चाय पिए का मन करेगा, दूध पिए का मन करेगा, लेकिन जिस दिन दूध रहेगा उस दिन ऐसा चीज नहीं होगा। तो इसीलिए हम बस दूध पी लिए बस, और उसके बाद थोड़ा सा खजूर खाए, और फिर ये भी रोटी सब्जी बनाई थी अपने, रोटी सब्जी जो चलो कॉलेज से आके खा लेंगे, तो बाहर में कुछ नहीं खाएंगे। तो चलिए गए सीधे पहुंचते कॉलेज, और आज 20 रुपए में वापस लौट जाएगा, 10 रुपए आने का फिनिश। देखो उधर साफ है और इधर फिर वही किच 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 वाला हाल हो गया। ये देखिए गाइस उधर था साफ रोड, इधर पूरा किच किच, सूट पे जूता पहन सकते हैं। और बाढ़ अभी आप लोग कहाँ से हैं और ये हमको जरूर बताएगा, और आप लोग क्या अभी पानी का भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति है, तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग के यहाँ भी मतलब पानी बढ़ चुका है या फिर जो भी है। तब तक हम लोग जल्दी से ऑटो लेते हैं क्योंकि हम लोग 10 मिनट लेट चल रहे हैं। तो थाना पे से क्रॉस कर रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं सीधे ऑटो लेने। एक चीज़ अच्छा है कि ऑटो मिल जाता है यहीं पे, नहीं मिल जाता तो बाप रे उतना दूर चलना बहुत मुश्किल वाला बात है। और ऊपर से अभी हमको इतना जोर से प्यास लगा हुआ है ना कि बता नहीं सकते। ये क्या बना रहे हैं तुम लोग? वाह, क्या तुम लोग बनाया है? वाह, तो बस यहाँ पे कालाकार बच्चे हैं। तुम लोग का नाम क्या है? क्या गोलू? तुम लोग तीनों का गोलू? नहीं, तो मेरा नाम गोलू, इसका नाम श्रीराम। और इसका श्रीराम है, तुम्हारा लट्टू वाला, तुम्हारा नाम क्या है? ऋतिक। और ये बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। चलिए गाइस अब चलते हैं
हम लोग अपना 10 मिनट, आज हम लोग 10 मिनट लेट है। मैम कहेंगे पूरा कॉपी भर दिए, क्राइम रिपोर्ट पढ़ते हैं, फिर ऊपर से इंटरव्यू कॉपी हम सिर्फ देखे सीआईए के दिन खुलते हुए, बाकी तो हम देखे हैं। तुम कितने को काम करते हो ऐसे? नहीं नहीं रुक जाइए, बाद में बात करेंगे। यहाँ पे मिल चुका हम लोग और अब सीधा पहुँचते हैं अपना कॉलेज। कॉलेज पहुँचने के बाद ही बात करते हैं, ठीक? अब हम कॉलेज पहुंच चुके हैं, वो भी 15 मिनट लेट, क्योंकि वहां पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिल गया ना पीएमसीएच के पास, तो मतलब फिर क्या ही करते। और ये देखिए, तो जल्दी से पहले जाते हैं क्लास, क्योंकि 10:30 से क्लास स्टार्ट होता है और 10:45 हो चुका है, मतलब 15 मिनट लेट पहले ही हो गए। बहुत ट्रैफिक था, बहुत ही ज़्यादा। तो ये रही कॉलेज, और जल्दी से मेरा ब्लॉक है रानी ब्लॉक। तो जल्दी से रानी है कि राजा है? नहीं रानी है, रानी है। तो जल्दी से घुसते हैं रानी ब्लॉक में, अब क्लास एक करने के बाद मिलेंगे, ठीक? एक क्लास करके जैसा हम बताए थे कि एक क्लास करने के बाद मिलेंगे। और यहाँ इतना जोर से पानी पड़ने लगा था ना यार, लेकिन अभी पानी नहीं पड़ रहा, अभी बंद है। हाँ, तो अभी हम लोग पानी पी लेते हैं और आज आपको ना उधर जाते हुए दिखाते हैं। रुकिए एक सेकंड। हम लोग अभी आ गए ऊपर, आज पता नहीं कितना क्लास चलेगा, लेकिन एग्जाम के बाद ना एक दो दिन छुट्टी दे देना चाहिए था, है ना? हाँ, छुट्टी तो करना चाहिए था, कम ही कर देना चाहिए था। इवन दुर्गा पूजा चल ही रहा, दुर्गा पूजा चल ही रहा, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये हमारा सीआईए था और सेमेस्टर एग्जाम हमारा नवंबर से शायद शुरू होने वाला, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक में। तो इसीलिए हम लोग कहीं कुछ जा नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे तभी। और मेन कॉलेज मेरा तो कंटेंट ऐसा हो गया कि रोज कॉलेज के चक्कर में बस कॉलेज ना हम कहीं बिहार से बाहर जा पा रहे, और बिहार से बाहर नहीं, मतलब सॉरी कोई दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, जिला में। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न भी क्या है कि हर जगह बाढ़ आया हुआ है, तो ऐसा जगह में हम खुद नहीं रिस्क लेना चाहेंगे। और मम्मी का भी थोड़ा सा मना कर दिया है, क्योंकि हर जगह सीतामढ़ी साइड, सासाराम साइड, हर जगह पानी भरा हुआ है, तो हम खुद उफान पे। हाँ, पूर्णिया तक में भी यही हाल है, मतलब अच्छे अच्छे डिस्ट्रिक्ट जैसे वैशाली में भी यही हाल है। वैशाली में भी हम देख रहे थे ना कौन कौन सा अलर्ट डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, तो हमारा वैशाली भी आ जा रहा था, तो इसलिए हम अभी नहीं जा पा रहे। बट कोई बात नहीं, तब तक आप लोग जैसे ही मेरा कॉलेज ही देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए, हर दिन की भांति आज भी हम लोग यहाँ पे आ चुके, ये छत पे, ये सीन बहुत अच्छा लगता है देखने में, है ना? इवन इधर देखो, इधर भी कुछ लोग हैं। और कॉलेज, वो हमारा दूसरा ब्लॉक है, वो जो बन रहा है रेड कलर का, वो शायद हमारा पीएमसीएच बन रहा है। हाँ, शायद नहीं, कंफर्म है वो पीएमसीएच बन रहा है। तो कॉलेज देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, वो वाला एरिया। हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं भी दिखा सकते। हाँ, ये वो सीढ़ी जो जा रहा है वो ना, हाँ वो ही बहुत प्यारा लगता है। तो आज भी क्लास पूरा है, तो आज भी कॉलेज टूर नहीं कर पाएंगे, अब नेक्स्ट डे कभी आएंगे। तो आज थोड़ा सा इस बार भी बिजी है, तो कॉलेज टूर नहीं हो पाएगा, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे होगा। तो चलिए, शायद सर आ गए होंगे, और आज ज़्यादा ब्लॉग को लेंदे नहीं करेंगे कॉलेज। अब हो सकता है शाम में मार्केट के लिए भी निकले। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग पहुँचते हैं नीचे, ठीक? फाइनली कोई बात नहीं, तो फाइनली हम लोग का छुट्टी हो चुका है, तो हम लोग का छुट्टी हो चुका है। और अभी हम लोग कॉलेज से जस्ट निकले हैं, और आज बस हम लोग का 2-3 क्लास चला, दिन क्लास के बाद हो गया छुट्टी। लेकिन आज कहीं भोज है नहीं कि हम लोग भोज में जा सकते हैं, तो आज अपना अपना घर ही जाके खाना पड़ेगा। अब क्या बोलना चाहते हैं ईसा जी? क्या ही बोले, ईसा जी के पास वर्ड नहीं है, तो ईसा जी कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आज। और कल हम लोग गाय घाट की तरफ एनआईटी घाट जाएंगे, एनआईटी घाट नहीं, काली मंदिर और पटना कॉलेज घूमेंगे कल। ये दोनों जगह आप लोग अपने घुमाएंगे मेरे कॉलेज के। हाँ, मेरे कॉलेज के जस्ट बगल में ही है। ये देखिए गाड़ी आ रहा है, सावधानी घटी दुर्घटना घटी वाला यहाँ पे काम हो जाएगा। आ चुके हैं रोड पे, हमेशा रोड पर रहते हैं। तो अभी गाइस सबसे पहले लेते हैं ऑटो, और ऑटो लेकर पहुँचेंगे गांधी मैदान। उसके बाद आज शाम में सोचे कहीं बाहर जाने के लिए, तो फिर आप लोग को घुमाएंगे। सबसे पहले ऑटो लेकर पहुँचते हैं, क्या है कि हमको बहुत जोर से भूख लग चुका है। फाइनली हम आ चुके हैं अपने गली में, और ये देखिए चलते हैं सबसे पहले रूम। तो कॉलेज से आने के बाद हम सो गए थे कुछ देर, और सोने के बाद फिर हम खाना पीना खाए, और अभी हम जा रहे हैं ऊपर। तो अमृता बोली कि आते टाइम ना पानी लेते आना, देख रहे इसका पानी पूरा गिरते पड़ते भी जा रहा है। और मेरा कॉलेज में 3 दिन छुट्टी है, 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख, 3 दिन मेरे कॉलेज में हो चुका है छुट्टी, तो अभी मजे करना। और ये देखिए मेरा सारा कपड़ा इधर पसारा हुआ है, इतना पानी पड़ रहा था कि हम ऊपर पसार नहीं रहे थे, सारा इधर ही पसार रहे थे। तो रुक जाइएगा इस ऊपर मिलने के बाद बात करते हैं। हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और देख रहे हो मौसम कितना अच्छा लग रहा है, बिल्ली ने प्लेटरिंग की हुई है आज, मौसम कितना अच्छा किया हुआ है ना, मतलब अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है।
तुम्हारा भी 3 दिन छुट्टी है? मेरा कल नहीं, परसों और परसों, कल मेरा क्लास है। नहीं मेरा कल 1 तारीख 2 तारीख और 3 तारीख हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस में तो हिंदी में कुछ खास कार्यक्रम होना चाहिए था, पता नहीं है कि बस लेकिन हिंदी दिवस 8 सितंबर को होता है। कल कोई दिवस है नहीं, कोई दिवस है हिंदी डिपार्टमेंट और MJMC, दो डिपार्टमेंट का कल बंद है। हिंदी दिवस 8 सितंबर को होता है। कल पता नहीं क्या चीज है, 2 तारीख को हमारा गांधी जयंती का है। सॉरी गाइस, 2 तारीख को हमारे गांधी जी जयंती है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? चंपा बता दी। गांधी जी की वाइफ का नाम बताओ। पुतली बाई। उनकी मम्मी थी कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी, सॉरी गाइस। पिता का नाम? पिता का नाम नहीं जाना। नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी तो गांधी जी का नाम है। उनके पापा का नाम नहीं आता ध्यान में, हमको भी नहीं है। कौन गांधी? उनको मारे थे नाथूराम गोडसे ने, इतना पता है। नाथूराम गोडसे उनको ऐसे मार दिए थे। तो ऐसा है, बाकी कुछ कुछ चीज है जो भुला जा रहे। तो मेरा 2 तारीख को इस चलते छुट्टी, और 3 तारीख को हमारा नवरात्रि का कलश स्थापना हो रहा है। इस कारण 3 तारीख को छुट्टी है, तो हमको मिला 3 दिन का छुट्टी। अब हम देखते हैं कि 3 दिन में हम क्या प्लान कर पाते हैं। जो भी प्लान करना पड़ेगा हमको आज रात में प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी पटना में रह रहे बोर हो चुके हैं। लेकिन हम बाढ़ के डर से कहीं जा नहीं पा रहे, बट हम कहीं ना कहीं तो निकलेंगे। अब हम कल निकले परसों निकले, हम कल या परसों भर में हम निकलते हैं। अब हम जहाँ निकलते हैं वो हमको पता नहीं, लेकिन हम निकलेंगे गाइस। तो बाकी हम आपसे मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो यहाँ पे अभी डिस्कशन हो रहा है बच्चा को लेकर, जुड़वा हो जाता है। बेटा बेटी तो ज्यादा अच्छा रहता है। तुमको लड़का पसंद है ज्यादा कि लड़की? हमको हमको तो बेटी चाहिए, और बेटी को हम अपना नाम बड़ी अपने तुमको दिखाई तो नहीं सकते। तो हम लोग आए थे, छत पे बैठे हुए थे, और यहाँ पे अनामिका है, यहाँ पे अमृता है, लेकिन किसी को दिखा नहीं सकते। अनामिका को तो दिखा सकते, नहीं दिखा सकते हैं। अच्छा, इसको भी नहीं दिखा सकते हैं। हमको समझ में भी नहीं आ रहा कि कौन करे बैठा ले। तो यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि बच्चा मतलब कैसा सही रहता है, बेटा सही है या बेटी सही है, फिर दोनों सही है, हम लोग सही है। भगवान को देन से जे राजा, लेकिन हमको पर्सनली बेटी पसंद है और हमको अच्छी भी लगती है। और फिर दशहरा का चल रहा है, दशहरा मेला घूमे चले गए ना, फ्यूचर में जाके सासू माँ के सामने कहना बेटी ही चाहिए सासू माँ। तो अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, और हमारा 3 तारीख से नवरात्रा स्टार्ट होने वाला है। हम लोग देखते हैं, मेन बस भगवान ना पानी उनी ना पड़ा है। सप्तमी उत्तमी के दिन पता चला मेला पूरा किचकिच हो गया, ऐसा वाला हाल नहीं हो। तो हम लोग पिछले साल हम लोग यहाँ कितने साल घूमे अमृता? हम 1 साल घूमे, 1 साल ना रहेंगे, 1 साल नहीं रहेगा अमृता, 1 साल घूम गया। हम 2 साल घूमे हैं, एक बार उसके पिछले साल आंटी और मिस्टी की मम्मी लोग के साथ घूमे थे, इस साल अमृता के साथ घूमे थे। और इस साल अगर अमृता नहीं रहेगी तो अनामिका रहेगी और लाडो रहेगी, इन लोग दोनों के साथ घूमेंगे। लेकिन घूमेंगे तो जरूर, फिर उसके बाद चले जाएंगे घर। फिर मम्मी लोग को भी 10वीं के दिन टिकट है, तो फिर मम्मी लोग भी आ जाएगी। इसके बाद सबसे ज्यादा तो हम एक्साइटेड है दीपावली भी अच्छा है छठ पूजा के लिए। तो फिर छठ पूजा हमारा आने वाला है, फिर कॉलेज में लगातार छुट्टी छुट्टी छुट्टी। अच्छा, सब लोग को फेस्टिवल आता है, तो फेस्टिवल आने के बाद बात ही कुछ अलग रहता है ना, दशहरा दिवाली छठ मजा आता है। तो फिर यस, और फिर जाएंगे नीचे, सबसे पहले चाय पियेंगे, फिर कुछ कुछ हमको प्लान करना है, वो भी बता नहीं सकते, बट हाँ कुछ कुछ कर रहे हैं। तो देखते हैं वो प्लान सक्सेस होता भी है कि नहीं। जब तक पहुंच ना जाए वो जगह, तब तक कुछ नहीं कर सकते गाइस। तो मिलते हैं कुछ देर बाद।